मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। जराए के मुताबिक हफ्ता और एतवार मुकम्मल लॉकडाउन रहेगा। 5 दिन कारोबार की इजाजत होगी। कारोबारी मराकज शाम 7 बजे तक खुल सकेगी। वजारत रेलवे 40 ट्रेनें चला सकेगी। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुतल्लिक इशारे ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान का ये कहना था कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क अमरीका ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला किया। अमरीका को मालूम है कि अगर लॉकडाउन जारी रखा तो मईशत बैठ सकती है, जबकि लॉकडाउन खोलने का फैसला किया। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना नहीं जा रहा, इसके साथ रहना होगा। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,460 तक पहुंच गई। एक दिन में 60 अफराद जान बहक हो गए। अमवात की तादाद 1,543 हो गई। सिंध में कोरोना से 24 घंटे के दौरान 22 हलाकतें, तादाद 503 हो गई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि आज 785 मरीज सेहतयाब हुए, जबकि तादाद 14,590 हो गई है। 342 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है। बताया जाए कि कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर्स आए थे, तर्जुमान मुस्लिम इकदून का कोरोना मरीजों के लिए अदम सहूलियात पर तश्वीश का इजहार। कहा, इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2,400 से ज़ायद हो चुकी, जबकि सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम वफाकी वजीर कानून के अहदे से मुस्ताफी हो गए। जराए के मुताबिक फरोग नसीम ने वजीर आजम इमरान खान को इस्तीफा भिजवा दिया। फरोग नसीम जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जस्टिस काजी फायज के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। वजीर आजम इमरान खान ने इस्तीफा मंजूर कर लिया। बैरिस्टर फरोग नसीम कहते हैं कि इस्तीफा वजीर आजम के कहने पर दिया। जस्टिस काजी फायज ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करूंगा। केस लड़ने के दौरान वजारत कानून का कलमदान वजीर आजम के पास रहेगा। वजीर आजम इमरान खान को वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का खत। फवाद चौधरी का नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालिबा। कहते हैं कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नजर आ रही है। नवाज शरीफ बरतानिया में अपने टेस्ट रिपोर्ट भी हुकूमत के साथ शेयर नहीं कर रहे। शहबाज शरीफ को नैब गिरफ्तारी का खदशा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतवक्को गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी जमानत मंजूर के लिए दरख्वास्त दायर है। नैब की तरफ से जेर इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है। पांच साल में शरीफ और ओमी ग्रुप ने अरबों रुपए की सब्सिडी ली। मावो ने खसूसी शहबाज गिल की मुर्तजा वहाब की न्यूज कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, वफाकी हुकूमत ने चीनी पर कोई सब्सिडी नहीं दी। गुज़श्ता 5 साल में चीनी पर 29 अरब की सब्सिडी दी गई। पी
पीआईए तैयारा हादसा, गैर मुल्की टीम ने पीआईए तैयारा हादसा की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के लिए आने वाली माहिरीन की टीम कराची से फ्रांस रवाना, 11 रुकनी टेक्निकल एडवाइजर्स खसूसी परवाज से रवाना हुए। जहाज के फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की डीकोडिंग कल से फ्रांस में शुरू होगी। रेलवे के महदूद ऑपरेशन में मजीद 10 ट्रेनें शामिल, रोजाना चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई है, जबकि फासला बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर बुकिंग जारी है। गवादर बंदरगाह को अफगान ट्रांजिट तिजारत के लिए खोल दिया। अफगान ट्रांजिट ट्रेड का फर्टिलाइजर से भरा पहला बहरी जहाज गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ। सरकारी ऐलानिए के मुताबिक गवादर बंदरगाह को ट्रांजिट ट्रेड के लिए पाक अफगान ट्रांजिट मुआहदे के तहत खोला गया है। एनडीएमए ने मुल्क भर में टड्डी दिल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान एनडीएमए के मुताबिक टड्डी दिल के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। हुकूमत ने माह जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी कर दी। वजीर इत्तलात क़ियासुल हसन चौहान कहते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी वजीर आजम इमरान खान की जानिब से तोहफा है। माजी में आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुँचाए गए। जनूब मशरकी बहीरे अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो चुका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक डिप्रेशन कराची से 1285 किलोमीटर जबकि मुंबई से 580 किलोमीटर दूर है। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम जारी। काबिज फौज ने जिला राजौड़ी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। गाजे फौज ने जिला बुटगाम से 6 नौजवानों को भी गिरफ्तार कर लिया। जालिमाना कार्रवाई के खिलाफ कश्मीरियों ने एहतजाज करते हुए भारतीय फौजियों पर शदीद पथराव किया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,73,961 हो गई। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,06,195 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राज़ील को मुतनाज़ा दवा हाइड्रोऑक्सीक्लोरोक्विन की दवा की 20 लाख खुराकें भिजवा दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवा हफ्ते के पहले कारोबारी रोज के दौरान उतार चढ़ाव, हिसेस मार्केट में 90.74 पॉइंट्स की तेजी रिकॉर्ड की गई। आगे बढ़ते हैं। चीन ने दुनिया का सबसे बुलंद और तेज रफ्तार झूला तैयार कर लिया, जो एक बहुत पुरफजा मुकाम पर तामीर किया गया। 700 मीटर ऊंची चोटी पर तामीर ये झूला बढ़ते बढ़ते 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ में खुश आमदीद, मैं हूं तहमीना शेख। हेडलाइंस आप जान चुके, बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से मुतल्लिक इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम इमरान खान का ये कहना था कि दुनिया के अमीर तरीन मुल्क अमरीका ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला किया। अमरीका को मालूम है कि अगर लॉकडाउन जारी रखा तो मईशत बैठ सकती है। अमेरिका ने 3,000 अरब डॉलर कोरोना से निपटने के लिए मुख्तस किए। अमेरिका में कोरोना से 1,00,000 अफराद मर चुके। वबा आहिस्ता आहिस्ता फैलेगी तो अस्पतालों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा,
में आवामी इज्तमात रोक देता मगर कारोबार न रोकता। अमीर मुल्कों ने भी लॉकडाउन खोलने का फैसला किया। जब तक वैक्सीन नहीं आती तब तक कोरोना नहीं जा रहा, इसके साथ रहना है। कोरोना और तामीराती शोबे को मैं कभी नहीं रोकता। कारोबार के हवाले से उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जैसा लॉकडाउन हुआ इसकी वजह से निचले तबके को बड़ी तकलीफ हुई। 18वीं तरमीम के बाद मंसूबा फैसलों में आज़ाद होने के साथ साथ लॉकडाउन चाहता तो वैसा नहीं हुआ। एक तरफ वायरस को रोकना था और दूसरी तरफ भूख और अफलास को रोकना था। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेज़ी से बढ़ने लगे। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 72,460 तक पहुंच गई। एक दिन में 60 अफराद जान भग, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,543 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 2,964 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 26,240, सिंध में 28,245 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना वायरस का फैलाव मज़ीद तेज़ हो गया। पाकिस्तान मुश्किल तरीन मरहले में दाखिल हो गया। जून के वस्त तक कोरोना केसेस 1,00,000 से तजावुज़ कर जाने का इम्कान है। हकूमती अंदाजे के मुताबिक जून के वस्त तक ख़तरनाक वायरस 2,500 मज़ीद जाने निगल सकता है। फिल वक्त SOPs पर अमल दरामद के अलावा हकूमत के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। तर्जुमान मुस्लिम लीग ने इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों के लिए अदम सहूलियात पर तशवीश का इजहार किया। मरियम औरंगजेब ने कहा कि बताया जाए कोरोना मरीजों के लिए जो वेंटिलेटर्स आए थे वो कहाँ हैं। मरियम औरंगजेब ने यह भी कहा है कि इस्लामाबाद में कोरोना मरीजों की तादाद 2,400 से ज़ायद हो चुकी और सिर्फ 12 वेंटिलेटर्स काम कर रहे हैं। पिम्स अस्पताल में 80 बिस्तर के आइसोलेशन वार्ड में दीगर ICU से 9 वेंटिलेटर्स मुंतकिल किए गए हैं। सूबाई वजीर इत्तला'आत फ़याज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़ार और चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से मीडिया पर नशर होने वाली खबरें बेबुनियाद हैं और मन घड़त और हकायक से मुनाफी हैं। वजीर इत्तला'आत पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि निजी मीडिया चैनल पर नशर होने वाली खबर में कोई सदाकत नहीं। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान गुज़ार सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात रखते हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक सूबे के इंतजामी सरबराह हैं। वजीर आला पंजाब और चीफ सेक्रेटरी के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत की रोशनी में चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफ़ीक मलिक बतरीक एहसन सूबे के अमूर चला रहे हैं। बैरिस्टर फरोग नसीम वफाकी वजीर कानून के अहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं, जबकि फरोग नसीम ने वजीर आज़म इमरान खान को इस्तीफ़ा भी भिजवा दिया है। फरोग नसीम जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा केस में वफाक की नुमाइंदगी करेंगे। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस की कार्रवाई रुकवाने के लिए केस सुप्रीम कोर्ट में जेर समात है। ख्याल रहे कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की जानिब से सदारती रेफरेंस के खिलाफ नई दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ के पाकिस्तान में होने वाले टेस्टों के बारे में तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की बरतानिया में सामने आने वाली तस्वीर में उनकी हालत अच्छी नज़र आती है। साथ ही साथ फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि उनको चाहिए कि वो हुकूमत के साथ अपनी टेस्ट रिपोर्ट शेयर करें। वज़ीर आज़म के मावन खसूसी बराए सियासी रवाबित डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि 5 सालों में शरीफ और ओमनी ग्रुप्स ने अरबों रुपए की सब्सिडी ली। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी नफा नुकसान की परवाह किए बगैर जिम्मेदारों के खिलाफ इंक्वायरी करवाई और कौम के साथ खामोशी से की जाने वाली वारदात पकड़ ली है। ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने आमदन से जायद असासे और मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतवक्को गिरफ्तारी से बचने के लिए लाहौर हाईकोर्ट में अबूरी जमानत के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि नैब की तरफ से जेरे इल्तवा इंक्वायरी में गिरफ्तार किए जाने का खदशा है, जबकि तवातर से तमाम असासे डिक्लेयर करता रहा हूँ। नैब ने बदनीयती की बुनियाद पर आमदन से जायद असासों का केस बनाया है।
NDMA ने मुल्क भर में टड्डी दिल के खिलाफ ऑपरेशन की तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान NDMA के मुताबिक टड्डी दिल के हमला ज़दा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,50,000 एकड़ रकबे का सर्वे हुआ, जबकि 4,900 एकड़ रकबा का टड्डी मार अद्वियात से ट्रीटमेंट भी किया गया। आगे बढ़ते हैं। रेलवे के महदूद ऑपरेशन में मज़ीद 10 ट्रेनें शामिल कर ली गईं, जिसके बाद रोज़ाना चलने वाली ट्रेनों की तादाद 40 हो गई। सामाजिक फासले बरकरार रखने के लिए 60% सीटों पर बुकिंग जारी है। आपको बताएं कि बहाउद्दीन ज़िक्रिया, शालीमार एक्सप्रेस, कराची एक्सप्रेस, रावल एक्सप्रेस शामिल हैं। शालीमार एक्सप्रेस SOPs के मुताबिक पहले रोज़ 314 मुसाफिर लेकर कराची बरवक्त रवाना हुई है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि हुकूमत ने माह जून के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद कमी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से आवाम के लिए तोहफ़ा है। वज़ीर इत्तला'आत पंजाब फ़ियाज़ुल हसन चौहान का कहना था कि माजी में आलमी मंडी में पेट्रोलियम कीमतों में कमी के असरात इस हद तक आवाम तक नहीं पहुँचाए गए। मुश्किल माशी हालात में भी आवाम को रिलीफ वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्रे इम्तियाज़ है। वज़ीर आज़म इमरान खान के फलाही इकदाम उनके गरीब आवाम से ताल्लुक का वाज़े इजहार है। IG पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग की गई। दौरान मीटिंग सूबे के तमाम अज़ला के माहाना क्राइम और पुलिस कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया। इसी हवाले से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। वसीम साबिर, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस मीटिंग के हवाले से? अजीत अमीना, IG पंजाब शोएब दस्तगीर की ज़ेरे सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में वीडियो लिंक जो है वो क्राइम मीटिंग हुई है। अगर बात की जाए IG पंजाब की, तो IG पंजाब है वो तमाम सूबे से जो है वो तल्लुक रखने वाले RPO, DPO, CPO से जो है बजरिया वीडियो लिंक क्राइम मीटिंग में जो है वो शिरकत की है। जराइम की रोकथाम और समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयों को मजीद तेज करने के हवाले से भी हदायत जारी की गई है। इसी तरह से जो है वो बच्चों और खवातीन के साथ ज्यादा के मुकदमात की तफ्तीश DPO खुद करेंगे, जबकि ना करने वालों को जो है वो शोका से नोटिस दिए जाएंगे। IG पंजाब का ये भी कहना था कि हवाई फायरिंग के वाकयात की रोकथाम के लिए डॉल्फिन पीरू और पेट्रोलिंग फोर्सेज की गश्त को मजीद बेहतर किया जाएगा, जबकि तलीमी इदारों के गर्दोनवा में मंशियात कोशी में मुलविस मुजरमान को पबंद सलासत करने की कार्रवाइयाँ भी तेज की जा रही हैं। इसी तरह से पतंगबाजी की अगर बात की जाए, तो पतंगबाजी साथी डोर की तैयारी इस्तेमाल और खरीदो फोक में जो है वो मुलविस कानून शिकनों के खिलाफ भी जो है वो ऑपरेशन तेज किया जाए। सूबे के तमाम इजला व शुबा मुजरमान को पबंद सलासत करने के लिए DPO अपनी निगरानी में जो है वो खसूसी मुहिम शुरू करें, जबकि IG पंजाब का यह भी कहना था कि मुख्तलिफ इजला में कायम किए गए मॉडल पुलिस स्टेशन की कारकर्दगी को बाकायदगी से जो है वो मॉनिटर भी किया जा रहा है। सूबे भर में खास मुकाम की सिक्योरिटी प्लान का अर्ज नोटिस भी लेते हुए इंतजाम को मजीद जो है वो बेहतर बनाने की हदायत भी की गई है। IG पंजाब जो इजलास में बैठे थे, उसमें जो है वो एडिशनल IG अजहर हमीद खोखर, एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस तारक मसूद यासिन, एडिशनल IG लॉजिस्टिक आमिर मलिक, इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन के जो है वो एडिशनल IG फियाज अहमद देव, एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट BN नासर जी, इसके अलावा जो है वो स्पेशल ब्रांच के जो है अफसरान वो भी मौजूद थे, जबकि मोहम्मद ताहिर जो है वो CTD के जो है वो एडिशनल IG वो भी इस मीटिंग में मौजूद थे। IG पंजाब ने जो है वो बड़ी बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि पंजाब में दिन ब दिन क्राइम बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए पुलिस अफसरान ज्यादा से ज्यादा नाकाबंदी करके गश्त करें। जी वसीम साबिर, ये भी बताइए कि दौरान मीटिंग महाना क्राइम और पुलिस कार्रवाइयों का तफसीली जायजा लिया गया है, ये लॉकडाउन के दिनों के हवाले से क्या तफसीलात हैं कि क्राइम बढ़ा या कम हुआ? देखिए, लॉकडाउन के दौरान जो है वो डकैती की वारदातें तकरीबन जो है वो कम हुई थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से लॉकडाउन को जो है वो नरम किया गया, डकैती की वारदातें बढ़ गई, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जो है वो वारदात को बिल्कुल कम हो जाना चाहिए था, ताकि जो है वो शहरी सड़कों पे कम और पुलिस ज्यादा घूमती नजर आती थी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो डाकू सड़कों पे जो है वो दनदनाते फिरते नजर आए। इस हवाले से भी जो है वो पुलिस ने कई बार नाकाबंदी की, लेकिन डाकू गिरफ्तार भी हुए, लेकिन बड़ी तादाद में जो है वो जेलों से रिहा होने के बाद फिर से जो है वो डाकू वही सड़कों पे आके खींचातानी करनी शुरू कर दी। अगर लॉकडाउन थोड़ा सख्त हो जाता तो डाकुओं को भी इस बात का पता चल जाता कि बाहर पुलिस ज्यादा है, आवाम कम है। इसके बावजूद आवाम जो है वो सड़कों पे निकलने से बात नहीं आई, जिस तरह से खवातीन और मर्द जो है वो ईद के दिनों में भी शॉपिंग करने के लिए ले गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया वसीम साबिर आपका।
डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान को पेट्रोल पंप्स की चेकिंग को यकीनी बनाने की हिदायत जारी कर दी, जिसके बाद तहसील सिटी में एसी तबरेज मरी और तहसील कैंट में एसी मर्जिया सलीम की जानिब से चेकिंग और कार्रवाइयां जारी हैं। मजीद आगाह कर रहे हैं आयान मलिक। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल ने जिले इंतजामिया लाहौर के अफसरान को फील्ड में निकलने की हिदायत जारी कर रखी थी। डीसी लाहौर ने अहकाम जारी किए थे कि तमाम अफसरान पेट्रोल पंप्स की चेकिंग को यकीनी बनाएं और वहां पर मुकर्रर करदा कीमतों पर इतलाक हो रही यकीनी बनाएं, जिसके बाद तहसील सिटी में एसी सिटी तबरेज मरी और तहसील कैंट में एसी कैंट मर्जिया सलीम की जानिब से चेकिंग और कार्रवाइयां जारी हैं। तहसील सिटी में मुजम्मल फिलिंग स्टेशन, कासिम पेट्रोलियम और न्यू हाईवे पेट्रोलियम के नोजल को सील कर दिया गया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर कैंट मर्जिया सलीम की जानिब से तहसील कैंट में बेदिया रोड पर पीएसओ पेट्रोल पंप के नोजल को कम पैमाना होने पर सील किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में भारत के मुजालिम जारी हैं। काबिज फौज ने जिला राजौड़ी में सर्च ऑपरेशन की आड़ में मजीद 3 कश्मीरियों को फायरिंग करके शहीद कर दिया है, जबकि भारतीय फोर्सेस ने जिला राजौड़ी के इलाके नौशहरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान नौजवानों को शहीद किया। दुनिया भर में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,73,961 हो गई है, जबकि अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,06,195 अफराद हलाक हो चुके। अमेरिका ने ब्राज़ील को मुतनाज़ा दवा हाइड्रोऑक्सीक्लोरोक्विन दवा की 20 लाख खुराकें भिजवा दी हैं। अमेरिका में पुरतशद्दुद वाकया जारी, मुजाहिरीन ने बड़ी बड़ी इमारतों को नजर आतिश किया। अमरीकी रियासत मिनीसोटा के शहर मिनीएपोलिस में सियाफाम शख्स की हलाकत के बाद अमरीकी रियासतों में जारी पुरतशद्दुद वाकयात मजीद तेज़ हो गए। मुजाहिरीन ने ओल्ड हाउस और कम आमदनी वाले हाउसिंग प्रोजेक्ट को भी नजर आतिश कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी बहिरे अरब में हवा का कम दबाव डिप्रेशन में तब्दील हो चुका। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज के मुताबिक डिप्रेशन कराची से 1285 किलोमीटर जबकि मुंबई से 580 किलोमीटर दूर है। सरदार सरफराज का कहना है कि आइंदा 24 से 36 घंटों में डिप्रेशन समुद्री तूफान में तब्दील हो सकता है। साइक्लोन का रुख मुंबई या गुजरात की जानिब रहेगा। पेट्रोलियम मसनूआत के बाद एलपीजी की कीमत में भी सस्ती कर दी गई है। घरेलू सिलेंडर 24 रुपये सस्ता किया गया। मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद ओगरा ने आवाम के लिए एलपीजी की कीमत में कमी कर दी। गैस सिलेंडर 24 रुपये सस्ता कर दिया, जिसके बाद घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 1,298 रुपये हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रवां हफ्ते के पहले कारोबारी रोज़ के दौरान उतार चढ़ाव के बाद 90.74 पॉइंट्स की तेज़ी रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के मुताबिक रवां माह के दौरान वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट पेश किया जाना है। चीन ने दुनिया का सबसे बुलंद और तेज़ रफ्तार झूला तैयार कर लिया, जो एक बहुत पुरफजा मुकाम पर तामीर किया गया। 700 मीटर ऊंची चोटी पर तामीर ये झूला बढ़ते बढ़ते 130 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।